हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरंग गर्ग, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस इंडियन स्वीट डिश चूरमे का लड्डू, जो हम बिना फ्राई किए बनाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है, जिसमें हमने ऐड किया है आधा कप गेहूं का आटा, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप मोटा रवा या सूजी। ये मोटी होती है, इसलिए आपके लड्डू को और भी दरदरा और अच्छा बनाती है। अब एक दूसरे बोल में हम 3 टेबलस्पून घी लेंगे, और साथ ही इसमें हम अब डालेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश मलाई। ये हमने घर की दूध की मलाई ली है। इसे डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब ये आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए, हम एक स्टोव को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर, उसमें एक कढ़ाई रखकर उसके अंदर ये मिक्सचर को डालेंगे। हमें इसे हल्का गर्म करना है। तो जब आप देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं, तब आप फ्लेम बंद कर दें और इसे हटा लें। अब जो पहले हमने मिक्सर तैयार किया था, उसके अंदर अभी हमारा गर्म किया हुआ मिक्सर हम डालेंगे, और इसे डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे। आप हाथ का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसे हमें पूरी तरीके से मिलाना है, और ये शेप को होल्ड कर रहा है, एक निश्चित आकार में हो जाता है। इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। तो हम लड्डू बनाएंगे। अगर इस समय आपका शेप गोल नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, इस तरीके से इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर हम बाकी लड्डू भी इस तरीके से रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम हमारा लड्डू बनाने के बाद घर का ओवन का सेटअप बनाएंगे, क्योंकि इन लड्डुओं को हमें आगे चलकर बेक कर। तो अब फ्रेंड्स, हम हमारा ओवन का सेटअप इसके बाद तैयार करेंगे। अगर आपके पास ओवन हो तो उसे डायरेक्टली यूज़ करें, नहीं हो तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिससे आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर हमने उसमें नमक डाला है। ये साधारण घर का नमक जो हम यूज़ करते हैं वो है। इसके ऊपर एक वायर गेज रखा है, और अब इसके ऊपर हमने लड्डुओं को रखा है। तो अब हम इसे कवर करके रखेंगे, और अब 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से अनकवर करेंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जो लड्डू है वो थोड़े से गोल्डन हो गए हैं। तो इन्हें हम एक बार फिर से रोटेट कर देंगे, सभी लड्डुओं को पलट देंगे, और फिर इन्हें 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तो आप देखेंगे ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इस तरीके से ये सही प्रोसेस में जा रहे हैं। अब फिर इसे 10 मिनट के लिए रखा है, और अनकवर करके देखेंगे ये अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। जब ये थोड़े रेडिश ब्राउन हो जाए, मतलब अब हम इन्हें बाहर निकालना है। तो एक एक करके सारे पीसेस को बाहर निकाल लें। अब इन्हें 5 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इन्हें क्रश कर दें, ये हाथों से ही आसानी से क्रश हो जाएंगे। और अब इसका मिक्सर का बहुत ही फाइन पाउडर हमें बनाना है। तो अब इसके बीच में हम जगह बनाएंगे, और अब फाइनली हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी इसे बाइंड करने में हेल्प करेगा। और अब इसके ऊपर आधा कप किसा हुआ मावा हमने डाला है, और 3/4 कप शुगर का बूरा यानी शक्कर का बूरा हमने इसमें लिया है, वो भी दरदरा होता है। तो जो फाइनली आपके लड्डू बनते हैं वो हर तरीके से दरदरे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आपको उसके लिए इन्हें थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा मुट्ठी में लेकर, और आप साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कैसा साइज़ चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमें कुल टोटल 12 से 13 लड्डू मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है, और कितना अच्छा दिख रहा है। इसे हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। ऐसा ही प्रोसेस हम बाकी के बचे हुए मिक्सर के साथ करेंगे, और लड्डू को बनाते जाएंगे। इन लड्डुओं की ये खासियत है कि ये काफ़ी दरदरे होते हैं, तो खाने पर आपके मुंह में जो इसका रवा आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है।
जनरली लोग इसे फ्राई करके बनाते हैं, पर ये हेल्थ ऑप्शन से भी बिना फ्राई किए हुए, बेक किए हुए लड्डू काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 13 लड्डू बनकर तैयार है, इसे प्लेट करते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।